पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद नारायण चंदेल पहली बार सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं और अलग अलग जिलों में जाकर नारायण चंदेल कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी का मिशन 2023 पर फोकस है, इसीलिए चंदेल अंबिकापुर में कार्यकर्ताओं से मिले और बीजेपी को बूथ पर मजबूत करने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए चंदेल ने सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही चंदेल ने शिक्षा मंत्री को भांग खाकर नशा मुक्ति कार्यक्रम में जाने पर चुटकी भी ली। वहीं मुख्यमंत्री के ईडी छापे के संदेह पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी अपना काम करती है, जहां ईडी की कार्रवाई हुई है वहां बाथरूम से लेकर तकिए तक से पैसे निकले। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद नारायण चंदेल जी का दौरा सरगुजा को है। सरगुजा इसलिए भी क्योंकि यहाँ से जो 14 की 14 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में पूरा टारगेट जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सरगुजा में लगा चुके हैं। और सीधे नेता प्रतिपक्ष जी से बात करते हैं, सर सरगुजा दौरा कितना अहम और क्या क्या यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है? अभी हमारा जो दौरा है वो 9 सितम्बर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी रायपुर आ रहे हैं और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन वो करने वाले हैं और उनसे संवाद करने वाले हैं हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से। उसकी तैयारी को लेकर हम सरगुजा में प्रवास पर आए थे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरगुजा में जो राजनीतिक स्थिति है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनते जा रही है। हम 2003 का इतिहास दोहराएंगे। हम 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और जब भाजपा की सरकार 2023 में बनेगी उसमें महत्वपूर्ण योगदान, अहम योगदान सरगुजा संभाग का होगा। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि शिक्षा मंत्री खुद ही भांग खा के उस कार्यक्रम में, नशा मुक्ति के कार्यक्रम में गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई है मुख्यमंत्री ने, किस नजर से देखते हैं? बस एक सवाल, ईडी की कार्रवाई एक प्रक्रिया है, ईडी की कार्रवाई पर हम लोग कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं देते भाई। ईडी का अपना सर्च करने का तरीका है और जहाँ जहाँ कार्रवाई हुई है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में नहीं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से पैसा निकल रहा है, कहाँ कहाँ से नोटों के बंडल निकल रहे हैं, बाथरूम से लेकर तकिया तक। अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो ईडी अपना काम करते रहेगा। तो ये देखिए, ये थे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरगुजा का उनका दौरा है वो बेहद अहम है और ऐसे में जो सरगुजा की 14 सीटें अभी कांग्रेस के पास है उनमें से ज्यादातर सीटों में भाजपा जीत दर्ज करेगी। और जिस तरह से ये बदलाव की स्थिति है, 2023 की तैयारी है और अधिक से अधिक सीटों पर भाजपा काबिज होगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।